हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको दो फॉर्मूलाज बताऊंगा। फर्स्ट काउंट ए और सेकंड है काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। काउंट ए, काउंट ए फंक्शन जो है वो न्यूमरिक वैल्यूज और टेक्स्ट एरर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब काउंट करता है। ओनली जो एम्प्टी सेल्स होते हैं वो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल्स सी ओ यू, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड में जो डाउन एरो की है वो प्रेस करके आप काउंट ए पे कर्सर ले जा सकते हैं। और जैसे ही फॉर्मूला हाईलाइट हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोट, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ठीक है, टैब प्रेस कर दे और रेंज सिलेक्ट करना। ठीक है, तो उसके लिए लेफ्ट एरो की और शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो लेफ्ट एरो, हमारा पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया है। क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर, काउंट इज थ्री। तो सेम थिंग यहाँ पे रिपीट करना है, ये ब्लैक बॉक्स ड्रैग करना है या कंट्रोल जी, इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या फॉर्मूला से लेके आपका जितना एरिया है वहाँ तक सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 333 काउंट आया है और यहाँ पे एम्प्टी सेल है तो एम्प्टी सेल काउंट नहीं किया है उसने। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर स्पेस होता तो वो काउंट करता, क्योंकि स्पेस को भी एक वैल्यूज़ होती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं स्पेस की वैल्यू क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है कोड सी ओ डी ई, रिटर्न अ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, टैब सिलेक्ट एम्प्टी सेल जो स्पेस हमने दिया था, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, उसका वैल्यू 32 है। ठीक है, जो इसलिए यहाँ पे काउंट किया है उसने स्पेस को भी। ठीक है, ओनली एम्प्टी मीन्स कुछ भी नहीं होगा तो वो काउंट नहीं करेगा, इवन स्पेस भी होगा तो वो काउंट करेगा। ठीक है, सेम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हम यूज़ कर सकते हैं काउंट ए, लेफ्ट एरो शिफ्ट, लेफ्ट एरो क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर, सेम थिंग रिपीट करते हैं। फील डाउन, ठीक है, और अभी हमें मैथ्स के लिए कितने स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को मतलब आए थे वो देखने के लिए हम सब्जेक्ट वाइज काउंट करते हैं। काउंट ए, टैब हमारा एरे, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला विदाउट डॉलर साइन है, मीन्स ये नॉर्मल फार्मूला है ये, तो आप इसे जैसे कॉपी पेस्ट या ड्रैग करते हैं इसका जो वैल्यू है इस सेल में, हमारा ये रेंज है, आप कॉपी पेस्ट नेक्स्ट सेल में करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे कि ई कॉलम। ठीक है, यहाँ पे भी एफ आ जाएगा और सेम ड्रैग करना है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए 2, आर्ट्स के लिए ऑल 5, 3 और 4। ठीक है, ये था काउंट ए फार्मूला। और अभी जाते हैं काउंट ब्लैंक की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा जैसे कि टेक्स्ट लेते हैं, हेलो, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, डेसिमल वैल्यू लेते हैं, इसे ब्लैंक ही रखते हैं।
ठीक है, नंबर नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेस। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। काउंट, सॉरी, COU, काउंट ब्लैंक। अब जैसे कि देख सकते, काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स। टैब, डाटा सेलेक्ट करना है, क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर। ठीक है, यहाँ पे 1 काउंट आया है क्योंकि हमने यहाँ स्पेस लिया था, जो कि इसकी एक वैल्यू होती है स्पेस की। अगर हम उसे निकाल दें तो काउंट 2 हो जाएगा। ये ओनली सेम, जैसे कि हमने काउंट ए में देखा था कि एम्प्टी सेल काउंट नहीं करेगा, तो ये वही सेल काउंट करता है। ठीक है, काउंट ब्लैंक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। नेक्स्ट ट्रिक है काउंट इफ। टिल देन, बाय बाय।